बॉलीवुड की टॉप की हीरोइनों में शामिल रही वहीदा रहमान ने अपने समय में कभी दूसरी हीरोइनों की तरह ड्रेस पहनने में कभी समझौता नहीं किया। वह उस वक्त की एक ऐसी एक्ट्रेस थी जिन्होंने रियल लाइफ में भी कभी स्लीवलेस ब्लाउज नहीं पहना। जी हाँ, बड़े पर्दे पर फिल्म को हिट करने के लिए जिस तरह समझौते करने होते हैं, उस तरह का कोई भी समझौता वहीदा रहमान से जुड़ा कभी भी सामने नहीं आया। बॉलीवुड के अपने लंबे करियर में वहीदा ने अपनी शर्तों के अनुरूप बिकनी तो दूर फिल्मों में कभी स्लीवलेस ब्लाउज तक नहीं पहना था। वहीदा जब फिल्मी दुनिया का हिस्सा थी तो भी कुछ हीरोइनें अपने उसूलों से दूर जाकर फिल्में कर लेती थी। आज जैसा चलन तो तब नहीं था, लेकिन बड़े पर्दे पर हिट होने के कंपटीशन में उस वक्त की हीरोइनें भी कुछ स्टेप ले लेती थी। रंगीला रे तेरे रंग में यूं रंगा है मेरा मन। वहीदा का एक किस्सा काफी मशहूर है। उस समय के महान फिल्मकार गुरुदत्त ने उनके साथ अपनी फिल्मों में काम करने का 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट किया था, तो वहीदा ने खास तौर पर यह शर्त रखी और उसे मनवाया भी कि वह कहानी या सीन की मांग के अनुसार कपड़े नहीं पहनेंगी, बल्कि अपनी मर्जी से कपड़े पहनेंगी। गुरुदत्त ने भी उनकी भावनाओं का पूरा सम्मान करते हुए उनकी ये शर्त मान ली थी। वहीदा रहमान का एक गाना सुनिए जो आज भी पुराने गाने सुनने की चाह रखने वालों के बीच अपनी पकड़ बनाए हुए है। इस कहानी को अपने शब्दों में लिखा है समाचार लाइव के पत्रकार दिनेश सिंह ने, और आप सुन रहे थे त्रिभुवन शर्मा को।